ऑल राइट गाइस, तो आज हमारे पास है, यानी कि मैंने बहुत दिन पहले यानी कि एक दो महीने पहले दोस्तों मैंने फेविकोल लिया था 150 ग्राम, और उसको मैंने एक दूध के डिब्बे में डालकर बंद करके रख दिया था दोस्तों। तो आज उसकी बारी है देखने की क्या हुआ दोस्तों, उस डिब्बे का और उस फेविकोल का, क्या वो जम गया है या फिर किस तरह से वो अभी ताज़ा है या फिर क्या हुआ दोस्तों। चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए उसको देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास यह है डिब्बा जिसको मैंने रखा था दूध रख के, और इसमें मैंने फेविकोल डाल दिया था 150 ग्राम, देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी भी वैसे है ये। और यहाँ पर मैं इसको खोलता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है। तो इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, तो उसके लिए हम इस ट्वीज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इससे निकाल लेंगे, ये जम चुका है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा इसको निकालने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी से निकल जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हो गया है दोस्तों, यहाँ पर ये निकल चुका है इस डिब्बे का, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हाल हो चुका है, जैसे कोई चीज़ इसमें रख के पकाया गया हो। लेकिन अगर पकाया गया हो दोस्तों, तो इसके पीछे का हाल देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल नया है दोस्तों, ताज़ा है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि इसमें फेविकोल ही था, और फेविकोल ही था दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेविकोल था, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर तो लग रहा है, लेकिन इसमें जो जंग होता दोस्तों, इसीलिए शायद इसका इतना सॉफ्ट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और मैं इसको नोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये रबड़ की टाइप बन गया है, काफ़ी मजबूत है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि शायद ये निकल ही नहीं रहा है। तो इसको मैं निकाल दिया, वैसे तो यहाँ पर एक पर्दे की तरह बन चुका है, किसी लेयर की तरह, और इसका जो ज़्यादा भाग था ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुका है, आप देखिए तो यहाँ पर। तो दोस्तों ये पूरा पूरा काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है दोस्तों, काफ़ी सॉलिड है। तो दोस्तों ये पता नहीं क्या चीज़ बन चुका है दोस्तों, मुझे तो नहीं पता है कि यह क्या चीज़ है, लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये क्या चीज़ बन चुका है, बहुत हार्ड है दोस्तों, और पता नहीं क्या चीज़ बन गया है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों क्या हो चुका है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे दोस्तों, और हमारे इस छोटे से मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।